व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर काइट व्लॉग। वो बैकग्राउंड से आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ फिलहाल। और बहुत दिन से काइट का कोई व्लॉग भी नहीं बना था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई काइट शॉपिंग व्लॉग बनाओ, तो फाइनली काइट शॉपिंग व्लॉग आ गया है और मैं खड़ा हूँ अभी मेरठ खैर नगर काइट मार्केट में। तो भी आज पतंग लेने आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी आज दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ से पतंग लेता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया कहाँ से पतंग लेता हूँ, हमें भी दिलवा दो। तो मैं आ चुका हूँ पतंग की दुकान पर, तो भी भैया पतंग दिखाएंगे कि करके। भैया भैया जी दिखा दो पतंग। जी सर बोलिएगा। पतंग दिखा दो, हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे भैया कहाँ से पतंग लेता हूँ। पोनीताई बोलते हैं इसे। तो यहाँ से स्टार्ट करो, छोटी से स्टार्ट करना, ठीक है? ये पोनीताई है। कहाँ की पतंग है ये? रामपुर की। रामपुर की पतंग है भाई ये। नदीम सलमानी। ये कलर डिजाइन मिल जाएगा आपको इसमें। क्या क्या रुपए की पड़ेगी ये? रेट फोन करके बता देंगे ना। अगर गाइस जिसको भी पतंग के रेट चाहिए स्क्रीनशॉट लेना, भैया को व्हाट्सअप कर देना, रेट जो भी है वो लगा लेंगे। सही लगा लेना सब, बिल्कुल मेरा नाम ले देना है ना, जो जिसको भी चाहिए। और दिखाओ भैया पतंग। ये मंजूली आ गई है भाई। कलर इसमें बहुत डिजाइन है, डिजाइन देख लेना आप। सारे डिजाइन है मंजूली में। डिजाइन देखो भाई, क्या प्यारे प्यारे डिजाइन आए। ये सारे डिजाइन मंजूली में भाई। और दिखाओ भैया कुछ। ये देखो, ये सरदार आ ना भैया, ये कौन सी है भैया? इसे मटका बोलते हैं। अच्छा मटका, ये जयपुरी मटकी है। मैं लेके गया था और बाहर भी टंग रही है ये अम्ब्रेला वाली, मैं लेके गया था पहली। कहाँ की है ये? रामपुर की। क्या कहते हैं इसको? अद्धी। तो भाई ये रामपुर की अद्धी देख लो, इसमें डिजाइन मिल जाएंगे आपको। मोर लगी हुई मिलेगी, मोर लगी है ना, इसमें डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। ये रही अद्धी। और दिखाइए भैया जी कुछ। ये जो ये वो है मैदानी पतंग, मैदानी पतंग। तो गाइस ये मैदानी पतंग है। पेपर देखो क्या सॉलिड लग रहा है ना इसका भाई। इसकी कांप और इसका ठड्डा देखो बिल्कुल इक्वल मिलेगा आपको। ये रही मैदानी छोटी में। ये बंटी की बरेली की, ये बंटी बरेली की अद्धी पतंग। साइज देखना क्या प्यारा है, सिक्योर का ठड्डे की। इधर से पेपर दिखा देता हूँ आपको, ये डिजाइन मिल जाएंगे आपको। डिजाइन तो सब में मिल जाएंगे, ऊपर भी पतंग की पतंग है भाई। और दिखा दो कुछ नया आइटम आया क्या आपके पास? ओ भाई तो भाई ये देखो क्या डिजाइन है, बहुत बड़ी पतंग भी चाहिए, बड़ी भी मिल जाएगी आपको ना। और ये वाली मैदानी दिखाओ आप, जो अभी मैदानी दिखा रहे थे ना, जो बड़े पेज के लिए होती है, कम से कम 4 से 5 हज़ार मीटर की रेंज में भाई मैदानी पतंग। तो भी भाई ये है असली पतंग। तो भाई ये मैदानी पतंग है, 3-4-5 हज़ार मीटर तक की रेंज की भाई। इसमें दो ही कलर है क्या? कलर इसमें तो प्लेन ही आती है। अच्छा प्लेन ही आती है। हाँ। चलो भाई ये कलर वगैरह। और कुछ पिन्ने की छोटे बच्चों के लिए है? हाँ, ये बड़ी वाली पिन्ने की तो दिखा रखी है मैंने पहले, बाकी इधर भी डिजाइन मिल जाएगा आपको। ये बड़ी वाली है। ये तो पहले छोटे बच्चों के लिए है। सारी डेकोरेटिव मिल जाएगी, जयपुर है ना। हाँ, सामने डिजाइन है सारे है। चलो मेरे लिए कर दो कुछ 100 पतंगे। हाँ भैया करवा लीजिए ना। कौन से करनी बताइए आप? ये वाली जो मैंने देखी थी। तो गाइस जिसको भी लेने, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मिल जाएगा, जिसको आना है वो आके ले भी सकता है। फिलहाल तो मैं उड़ाने के लिए ले जाता हूँ, शाम होने वाली है पतंग उड़ाने घर जाके, तो आपसे घर पर मिलता हूँ फिर फटाक से सीधा। और पतंग दिखाऊंगी मैंने कौन कौन सी पतंग ली है, अभी पैक करवा लेते हैं। कर दो पैक, कर दो आप मेरी। तो अभी गाइज ये रही सारी अपनी पतंग, और ये रहा अपना पतंग का स्टेस जो अभी मैं लेके आया हूँ। और आपको पतंग दिखाता हूँ क्या क्या डिज़ाइन की मैं पतंग लेकर आ रहा हूँ। ये देखो ये रामपुर की पतंग है, मोर दिखाई एक बार। एक ही डिज़ाइन है, एक ही डिज़ाइन है, यहाँ पे रखता रहता हूँ। ये देखो डिज़ाइन भाई प्यारा लग रहा है ना। ये तो सेम ही है, ये भी रामपुर की पतंग है, मोर लग रही है इस पर। तो ये डिजाइन देखो भाई, बड़ी लग रहा है ना भाई। एक ही है गिलास का। पेपर देखो एक नंबर, पतला वाला पेपर नहीं है भाई, सब बढ़िया चलेगी एकदम। ये भी कहाँ की है? ये भी रामपुर की पतंग है भाई। ये तो सारा एक ही डिजाइन है,
और ये देखो ये नीले वाली में जो काला वाला था उसका नीला वाला ये वाला मतलब रेड वाला भाई ये तो सब सेम है। ये वाली गिलास है ये देखो अच्छा लग रहा डिजाइन एक नंबर। और ये देखो भाई ये है ये भी रामपुर की पतंग गिलास है ये थोड़ा सा बड़ा साइज है आपको नाप के दिखाता हूँ एक बार ये देखो इससे इतना बड़ा साइज है। तो ये टेस्टिंग के लिए लाया हूँ मैं एक चौका ये वाला है और एक ये चरमक्खा वाला है ये देखना बढ़िया लग रहा है। तो अभी पतंग उड़ाएंगे और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हीरो प्लस की। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हीरो प्लस की अनबॉक्सिंग करो तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आ जाओ करें करो। चलो भाई इसको भी खोल ही देते हैं आज बहुत दिन हो गए। खुल जा सिम सिम ये देखो भाई यहाँ पे भी हीरो प्लस यहाँ पे भी हीरो प्लस ये रही इसकी स्टिकर और ये रही इसकी मोहर। ओहो मंजन निकाल देते हैं एक बार जरा इसको ठीक से ये रहा मंजा इसका स्टिकर हटा दे हीरो प्लस जिंदाबाद तो ये चिपका देते हैं यहाँ पे। और ये गाइस ऐसा कुछ मन जाए तो इसको आज हम टेस्ट करने वाले और इसका रिव्यू बताता हूँ आपको कैसा है। एंड जब तक जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी और शेयर कर देना। उड़ाए उड़ाओ तो भाई पतंग तैयार हो चुकी है मंजा भी तैयार है हीरो प्लस तो इसको अभी उड़ाते हैं जरा। उड़ जा सिम सिम हवा कम चल रही है ना यार। हाँ बहुत ही कम हवा चल रही है यार। हाँ पर उड़ जाएगी पतंग उड़ने लायक है हवा। हाँ उड़ने लायक है उड़ तो जाएगी पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। उड़ जा मेरी जान। हाँ लो ऊपर लग रही है हवा तो। हाँ ऊपर है हवा करे पिंच करो। तो भाई जी पहला पिंच होने वाला है बेटा ऊपर कर मंजा कम लगा रखा है भाई कोई नहीं काट आईपो आईपो हीरो प्लस जिंदाबाद जिंदाबाद हीरो प्लस नीचे रख कहां ये रहा भाई भाई चूमो मैं भी चूमने दो ओ भाई 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 एक और पेज की एक और पेज दिखाई से करता हूँ कर लो कर लो किसी ले लो जो नीचे नीचे का तो ऊपर से मार दूंगा। हाँ आंधी से भाई फिर चूमो इसे तो भाई दो पेट तो भी जा रहा आगे भाई इसके भी लपका देंगे रुक रुक बड़ा लेता हूँ कट गई आई बोई सयम भाई एक और आ रहा है देखो बोल जा रहा सयम सयम भाई पेच करते हुए देखो बोल जा रहा देख आगे वाला भाई कैसे कैसे छोड़ नहीं रहेगा पतंग उलझा ली यहीं से दिख जाएगी यहीं से दिख जाएगी इनने भी उड़ा ली कहाँ पहुंच गए पेच करते करते बिल्कुल कोने में मंदीप उचका लपेट मंदीप को उचका लपेट ने काम दे रखा ये रही यार ये ऊपर तो करते हैं नीचे नीचे पेश करते हैं यार देखना बिल्कुल ही घर में घुसा घुसा के अब आ रहा सेम आगे वाला आ गया आई बो आई बो
भाई दोनों का ही आट 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 बात सही है भाई, क्या बात है। दो दो एक साथ अभी जा रही है क्या? वो जा रही भाई, वो जा रही, ये रही साले घर में घुसा के रख रखे हैं बिल्कुल। चल सही हम दोनों आ रहे, वो आ गया। ओ कट वाली मनदीप की देखो नजर कहाँ है, देख ले देख ले, कटने वाली लूट। ओ आ गई आ गई, आली भाई आली लूट, मनदीप मनदीप लूट। डंडा ला डंडा, डंडा उठा भाई, देखो कहाँ जा रहा। ओ भाई मनदीप लूट रहा भाई, चली जाएगी हो भाई। आज तो पतंग लूटेंगे, आज तो पतंग लूटेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। ओ भाई चली गई है तो पकड़ ली, आली आली आली। तो सही हमको देखो, इसे सही हमको देख, इसे देख इसे भाई, यही तो आ रही आ गए। इसे देख, हट जा हट जा भाई, ओ आ गई। ओ मेरी जान, बड़ा बड़ा इसे बड़ा, हाथ कट जाएगा भाई। आ गई पतंग आ गई। चल आर्यन, तो अभी ये पीछ कर रहा है लूटी पतंग से। कट गई, देख कितनी खुशी होके बता रहा कट गई। ये रही अपने एक और पतंग, ये पेज लड़ने आ रहा नीचे नीचे आराम से। चल मनदीप हंसा मत ना, पेज करने है, काटनी है पतंग। मनदीप भाई के पेज दिखाते हैं आपको, कट वाली बस ये कटवाते ही रहता है, देख लपेटा पपेटा उचका दोबारा से। इस बच्चे से कटवा ली ने यार पतंग। पेच करे क्या? कर लो। तो भाई हवा हो गई बहुत ज्यादा तेज, तो पेच करते हैं जरा इस पर। पेच दिखे हो, पेच दिखा। अबे यार मैंने ढील दे दी थी।